न्यू ईयर का आगाज हो चुका है, यानी कि काउंटडाउन है स्टार्ट, और हर कोई अपनी बाहें फैलाए न्यू ईयर को स्वागत करने के लिए है बेकरार। नया साल मतलब नया जोश और नई उत्साह। ऐसे में अगर आपका सपना है कि आप विदेश में जाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कहां जाएं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना आपका दोस्त तनवीर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बजट फ्रेंडली ऐसे देशों के बारे में बताने वाला हूं जो कि हैं तो बहुत किफायती, लेकिन वहां पर आप न्यू ईयर को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मेरे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है भूटान। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में शांति और संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा फेमस है भूटान कंट्री। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है और यहाँ के कानून के अनुसार देश के 60% जगहों पर सिर्फ जंगल ही होने चाहिए। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको बता दूं कि यहाँ पर आज भी 70% युवा बेरोजगार है और यही कारण है कि पूरी दुनिया में भूटान सबसे गरीब देश है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि पूरी धरती पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा बिल्कुल शुद्ध है। एक चीज और मैंने देखी है दोस्तों, इस देश में पैसों से ज्यादा खुशियों को वैल्यू दी जाती है। और दोस्तों यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सुकून देने वाली है और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं। भूटान की इन्ही सब खासियतों की वजह से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और घूमना पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ पर पश्चिमी देश के लोगों को डेली $250 टूरिस्ट टैक्स के रूप में देना पड़ता है, लेकिन भारतवासियों को ऐसा कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ना ही वीजा लेने की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की है, निकल जाइए भूटान के सुहाने सफर पर। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया में जो बाली नाम का जगह है वो हनीमून डेस्टिनेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अपनी इंडियन करेंसी है, भारत के 100 रुपए की वैल्यू इंडोनेशियन करेंसी में 202.78 रुपए है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडोनेशिया भी बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है और यहाँ पर भी हम आराम से घूम सकते हैं और मजे कर सकते हैं। पूरी दुनिया में चौथी नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश में पूरे 14,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। यहाँ के खूबसूरत सफेद रेत वाले सी बीच, संतरे के बाग और वन्य जीव पर्यटकों को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों कम बजट में ये भी एक बहुत ही बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। तीसरे नंबर पर है मॉरिशस। पूरी दुनिया में झीलों और खूबसूरत झरने के लिए फेमस है मॉरिशस, और हम इंडियंस लोगों में फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है मॉरिशस का ट्रिप। मॉरिशस जाने के लिए आपको टूर एंड ट्रेवल्स के बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आप सिर्फ 40,000 रुपए में घूम फिर कर रह कर खा पी करके आराम से आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि मॉरिशस की ऐतिहासिक इमारतें, प्राकृतिक वातावरण और दर्शनीय स्थल पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। और दोस्तों यहाँ की नाइट लाइफ का भी आप भरपूर मजा ले सकते हैं। चौथे नंबर पर है नेपाल। अरे भाई, अपने भारत देश का पड़ोसी देश नेपाल भी कम बजट में परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वैसे तो पूरा नेपाल ही घूमने लायक है, लेकिन आपको नेपाल का काठमांडू बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आप 15,000 से 25,000 रुपए में आराम से घूम फिर सकते हैं। तो दोस्तों आप कहाँ घूमने जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप कहीं पे घूम के आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अब पांचवें नंबर पर है श्रीलंका। यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती कुछ अलग ही है। बस आप इतना समझ लीजिए कि काफी कम बजट में आप श्रीलंका को बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का 100 रुपया श्रीलंका में 256.56 रुपए है। और श्रीलंका में भी घूमने के लिए आपको बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट पैकिंग कीजिए और निकल जाइए अपने फेवरेट लोकेशन पर न्यू ईयर के वैकेशन के लिए। और हर बार की तरह दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।